में यह होता है कि साहब मंत्री की सैलरी कितनी होती है, सांसदों की सैलरी कितनी होती है, प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जो सांसद प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनते हैं उनको हर महीने बाकी सांसदों से अलग से ज्यादा भत्ता मिलता है। ये डिफरेंट होता है बाकी सांसदों में, मंत्री में और प्रधानमंत्री में। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री पद की शपथ के कुछ घंटे के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके मंत्री लगातार एक्शन में है। पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल का पहला बड़ा फैसला ले लिया, कार्यभार संभालते ही पीएम किसान निधि सम्मान योजना से जुड़ी फाइल पर साइन किए। पीएम किसान निधि सम्मान योजना की 17वीं किस्त में एक जुड़ी फाइल को हरी झंडी दे दी है और इसके जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे हिंदुस्तान के 9 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों को फायदा होगा। अगर आपका नाम भी पीएम किसान सम्मान निधि में है तो आप किसान पोर्टल पर जाकर अपने खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के आने की स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैं राष्ट्र के वास के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप कैसे पोर्टल पर स्टेटस चेक करते हैं, उसको भी समझना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। पीएम किसान पोर्टल www.pmkisan.org पर जाएं, किसान कॉर्नर पर क्लिक करें, बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन को चुनें, अपना राज्य यानी किस राज्य से आपका नाता है, कहां रहते हैं, कौन सा जिला पड़ता है, किस तहसील से आते हैं, किस ब्लॉक या गांव के कस्बे के आते हैं, उसकी डिटेल्स को भरें, गेट रिपोर्ट बटन का क्लिक करें और यहां पर बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम आपको दिख जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं